नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, टॉपर्स कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को खिलाफत आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को जीवन के लक्ष्य के बारे में बताने जा रहा हूं। मनुष्य के जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है कि मनुष्य को अपने जीवन में एक महान लक्ष्य निश्चित रूप से निर्धारित कर लेना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य से संबंधित सारी जानकारियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए और लगातार कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन, तुर्की का सुल्तान जो था इस्लामिक संसार का खलीफा कहलाता था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने तुर्की को पराजित करके वहाँ के खलीफा के साथ बुरा बर्ताव किया। भारतीय मुसलमान को अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया, इसलिए भारतीय मुसलमान गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 17 अक्टूबर 1919 में आंदोलन शुरू किए। इसे ही खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अंग्रेजों के सामने 3 सूत्री मांग की। पहले मांग थी कि तुर्की के सुल्तान को अलौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम धर्म की रक्षा कर सकें। दूसरा मांग, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन यानी खलीफा के अधीन किया जाए। तीसरा मांग, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थल का संरक्षक बनाया जाए। आइए देखते हैं खिलाफत आंदोलन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, इस्लामिक संसार का खलीफा कौन था? तो तुर्की का सुल्तान। दूसरा क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 17 अक्टूबर 1919। नया क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों से कितनी सूत्री मांग की? तो 3 सूत्री। नया क्वेश्चन है, किस आंदोलन के बाद भारतीय मुसलमान अंग्रेजों का साथ छोड़ दिए? तो खिलाफत आंदोलन। नया क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान खिलाफत आंदोलन को किसके साथ मिलकर सफल बनाए? तो महात्मा गांधी के साथ। आखिरी क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों के साथ साथ किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।